मोबाइल यूजर यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लें और मेरी लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। Hey, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, खास तौर पे आज की वीडियो दोस्तों पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है कि जिनके बच्चे दोस्तों बहुत ज्यादा जो है वो मोबाइल या टैबलेट को जो यूज करते हैं या बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं या यूट्यूब पर कुछ भी देखते रहते हैं। और आपको पता है दोस्तों जब आप बच्चों को रोकते हैं तो आपको तंग करते हैं या रोकते हैं, और अगर दोस्तों आप उस ऐप को लॉक लगा देंगे तब भी आपके बच्चों को पता चल जाता है कि ऐप को लॉक लगा हुआ है, तब भी वो आपको तंग करते हैं। तो दोस्तों जिस ऐप का मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस ऐप से क्या होगा कि आप टाइम लिमिट जो है वो रख देंगे, यानी कि उतना टाइम ही जो है वो बच्चे आपके मोबाइल को जो है यूज कर सकेंगे, उतने टाइम के बाद जो है वो ऐप काम करना छोड़ देगी, चाहे वो गेम्स खेल रहे हैं या यूट्यूब है या कोई भी ऐसा ऐप है या आपके फोन का कैमरा, कोई भी ऐप वो यूज कर रहे हैं तो उसकी आप मर्जी से टाइम लिमिट रख देंगे, 1 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट जितना भी, उसके बाद वो ऐप वर्क नहीं करेगा। तो ये आई थिंक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों। इस ऐप का नाम है इजी पेरेंटल कंट्रोल प्रो, इसका लिंक जो है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम जाए कि आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको इस ऐप में जाना पड़ेगा। इस ऐप को आप जैसे ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आपने चाइल्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने कोई भी नेम दे देना, यहाँ पर कोई भी पिन दे दें, पिन देने के बाद दोस्तों ये ऊपर सर्विस को जो है वो इनेबल कर दें इस ऑप्शन को, और यहाँ पर वही पिन दे दें जो आपने पहले रखी थी। पिन देने के बाद ओके कर दें तो यहाँ पर आपसे वो परमिशन मांगेगा तो उसे आपने इनेबल कर देना। तो ये सबसे नीचे दोस्तों आप देख रहे हैं ये ऐप है, इसे आप यहाँ पर इनेबल कर दें, इस ऑप्शन को इनेबल करके बैक आ जाए, यहाँ से बैक करके वापस आ जाए तो यहाँ पर एक दफा और आपने जो है परमिशन देनी है। यहाँ पर एक्टिवेट पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर भी ओके पे क्लिक कर दें और यहाँ पर चेंज सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कर दें, यानी कि जितनी ऑप्शन होंगी दोस्तों इनेबल आप कर दें उनको, उसके बाद बैक करके वापस आ जाएं तो यहाँ पर सेटिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपने जो है डिवाइस पे क्लिक करना है, जैसे आप डिवाइस पे क्लिक करेंगे ऊपर जो है दिस डिवाइस ये ग्रीन कलर का यहाँ पर आपने क्लिक करना है और वही आपने पिन देनी जो आपने पहले रखी थी। पिन देने के बाद ओके पे क्लिक कर दें तो ये देखें पेयरिंग जो सक्सेसफुल हो गई है, अब ये कनेक्ट हो चुका है हमारा फोन। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर एप्स में आए तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपके फोन में जितने भी आपके एप्स होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों जिस ऐप को भी लॉक लगाना चाह रहे हैं, आई मीन आप जिस ऐप को भी चाहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए यूज करे, उसके बाद वो ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, आप उस ऐप को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो गेम्स हो। आपको पता है बच्चे जो गेम्स खेल रहे होते हैं तो वो फिर मोबाइल को नहीं छोड़ते, या अगर वो यूट्यूब देख रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह आप जो है उस ऐप को अगर लॉक लगा देंगे तो आपको वहां पर बहुत तंग करेंगे। तो इस तरह से आप थोड़े टाइम की लिमिट रख दें, उतने टाइम के बाद वो ऐप काम करना छोड़ देगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी ऐप जो है दोस्तों सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो मैं कैमरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैमरे को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों बैक करके वापस आ जाएं तो यहाँ पर हम जो है वो कैमरे को ओपन करके देख लेते हैं। कैमरे को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आकर आपने जो है वो आप अपनी मर्जी से वो टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं टाइम है, यहाँ पर आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना टाइम आप रखना चाह रहे हैं। उतने टाइम के बाद दोस्तों वो ऐप जो है वो काम नहीं करेगा। फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं अभी कोई भी टाइम नहीं रख रहा, और इसकी थोड़ी सी सेटिंग आप देख रहे हैं इसी तरह नीचे भी है। इसी तरह दोस्तों आपको पता है बच्चे जब कोई भी वीडियो देख रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं तो वॉल्यूम को जो है बहुत ज्यादा रखते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से वॉल्यूम भी जो है सेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो वॉल्यूम को बढ़ा नहीं सकेंगे। इसी तरह ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस भी आपको पता है बच्चे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ा के रखते हैं जिससे जो है आईज जो है बहुत ज्यादा जो उनकी खराब हो जाती है, तो आप जो है ब्राइटनेस भी अपनी मर्जी से यहाँ से कम या ज्यादा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे काफी ऑप्शन है, ये आप खुद से देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम ऐप से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर कैमरे को ओपन करके देख लेते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जैसे हमने कैमरे को ओपन किया तो यहाँ पर लिखा आ गया, तो जितनी बार भी दोस्तों वो उस ऐप को जो है वो ओपन करेंगे तो इस तरह लिखा आ जाएगा। लेकिन ये आपको मैंने दिखाने के लिए दोस्तों जस्ट कोई भी टाइम सेट नहीं किया, तो अगर आप टाइम सेट कर लेंगे उसमें उस ऐप में जिस जगह पर मैंने आपको बताया, तो उतने ही टाइम के बाद जिस ऐप को भी आपने जो है वो सेट किया होगा वो ऐप काम करना छोड़ देगा। उतने टाइम के लिए वो बच्चे जो है आपके वो वीडियो सॉन्ग्स या कुछ भी जो है गेम्स प्ले कर रहे होंगे, उतने टाइम के बाद दोस्तों वो यही समझेंगे कि कोई प्रॉब्लम हो गई तो जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा, तो वो आपको तंग नहीं करेंगे। अगर आप लॉक कर देते किसी भी लॉकर से उस ऐप को तो वो लाजमी उन्हें पता चल जाता और वो आपको तंग करते। तो आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए जो एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और आज की दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि आपके कॉमेंट्स से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीजें, और ये मेरे पेज पे भी आके विजिट कर लीजिए, और ये ऊपर जो वीडियो आ रही है उनको भी क्लिक कर कुछ नया सीख लीजिए।